नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद अब भारतीय टीम को दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसका आगाज जो है वो 26 दिसंबर से होगा। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में भारतीय टीम को पहला टेस्ट मुकाबला खेलना है और ये मुकाबला सेंचुरियन में खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले टीम इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली मुंबई वापस आ गए हैं। वो साउथ अफ्रीका पहुंच चुके थे, लेकिन अब जो है वो मुंबई वापस आ चुके हैं। उन्होंने बीसीसीआई से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, उनको कोई कुछ पर्सनल काम है, कुछ पर्सनल इशू है, जिसकी वजह से वो मुंबई वापस आ चुके हैं। और अगर विराट कोहली पहले टेस्ट से पहले टीम इंडिया से नहीं जुड़ते हैं तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि दोस्तों खबर यह है कि विराट कोहली जो है वो पहले टेस्ट से पहले भारतीय टीम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि 26 दिसंबर से पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा और उससे पहले विराट कोहली टीम से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर विराट कोहली नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि वो भारत में ही है, और अगर कुछ और पर्सनल इशू की वजह से वो टीम इंडिया से नहीं जुड़ पाते हैं तो दोस्तों पहले टेस्ट से पहले भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके साथ ही दोस्तों टीम इंडिया को एक और झटका लगा है। ऋतुराज गायकवाड़ दोस्तों टेस्ट सीरीज से ही रोल्ड आउट हो चुके हैं और उनका बल्ला दोस्तों वनडे सीरीज में भी नहीं चला, और अब जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ टेस्ट सीरीज से रोल्ड आउट हो चुके हैं, पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। लेकिन विराट कोहली के लिए दोस्तों जो खबर है वो ये है कि विराट कोहली टीम से जुड़ जाएंगे पहले टेस्ट से पहले, लेकिन अगर नहीं जुड़ते हैं तो टीम इंडिया के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है।